हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, सिलॉजिज्म, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, मूड्स, फिगर्स। तो ये सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर वन में। तो आपको पता है पेपर वन में आपका टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग, तो उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और वीडियोज़ का बेनिफिट मिल पाए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक्स जनरली स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल लगते हैं, वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मेरा एफर्ट ये रहेगा कि मैं सिंपल वे में आपको ये टॉपिक कवर कराऊं ताकि आपको एग्जाम में इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट होता क्या है। तो जैसे जनरली हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारी किसी से अगर कन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई, वो आर्ग्यूमेंट अलग है, हम उसकी यहाँ पे बात नहीं कर रहे, वो अलग आर्ग्यूमेंट है। वो तो हमारा किसी से बहस हो जाए वो अलग आर्ग्यूमेंट है, बट अगर हम लॉजिक में बात करें, लॉजिक में आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है कि हमने कोई स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट को हमने एक रीज़न दिया और उस रीज़न के बेस पे हमने कंक्लूजन निकाला। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि सपोज़ कोई प्रोपोजिशन, यानी कि हमने कोई बात करी, उस बात को हमने सपोर्ट करने के लिए कोई रीज़न दिया और उसके बेसिस पे हमने कोई कंक्लूजन निकाला। तो एक आर्ग्यूमेंट में जनरली हमारी कुछ प्रीमाइसिस होती हैं और उन प्रीमाइसिस के बेस पे हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और अब आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आर्ग्यूमेंट जनरली दो तरीके का हो सकता है। तो इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, कौन से, ये आपने सुने भी होंगे, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। तो ये आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में भी कवर्ड होता है, तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा। तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में आपके जो क्वेश्चन आएंगे सिलॉजिज्म से या वेन डायग्राम से, तो जो सिलॉजिज्म होता है, सिलॉजिज्म इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। तो आपका जो सिलॉजिज्म होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें आप लोग प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ इंडक्टिव और डिडक्टिव में क्या फर्क है। तो अगर मैं बात करूं डिडक्टिव रीजनिंग की, तो जैसे बहुत ही फेमस एग्जांपल, टेक्स्ट बुक एग्जांपल है, ऑल मैन आर मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब जो मर जाते हैं, यानी कि जो इटर्नल नहीं है, मतलब जिनका अंत निश्चित है, तो ऑल मैन आर मॉर्टल हमें पता ही है। सोक्रेट्स इज अ मैन, सोक्रेट्स आपको पता होगा, सोक्रेट्स कौन थे, एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, जैसे प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, ऐसे सोक्रेट्स भी फिलोसोफर थे। तो सोक्रेट्स इज अ मैन, सो सोक्रेट्स इज मॉर्टल। तो ये आपका बहुत ही एक बेसिक एग्जाम्पल है डिडक्टिव रीजनिंग का, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है जो आपको हर जगह मिलेगा। तो इसमें ये हमारी दो प्रीमाइसिस हैं, ये प्रीमाइस वन हो गई हमारी, ये प्रीमाइस टू हो गई, और इन दो प्रीमाइस के बेस पे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन है। तो ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज अ मैन, सो सोक्रेट्स इज मॉर्टल, यानी कि अब देखें तो इन दोनों प्रीमाइस के बेस पर हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं। इसको बोलते हैं डिडक्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ये देखिए, जो पूरा है, इन तीनों को मिला के एक आर्ग्यूमेंट बनाए, तो ये हो गया हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। और यहीं पर अगर मैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करूं, तो इसको, इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। तो सपोज ऑल की जगह मैं यहाँ पे सम कर दूं, अगर मैं ऑल की जगह यहाँ पे सम कर दूं, सम मैन आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज अ मैन, सो सोक्रेट्स इज मॉर्टल, तो ये आपका इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल बन सकता है। तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा लॉजिकली सोचे तो आप कहेंगे ये तो सही नहीं है, क्योंकि अगर कुछ लोग मॉर्टल हैं और सोक्रेट्स मैन है, तो जरूरी नहीं है सोक्रेट्स भी मॉर्टल हो, क्योंकि कुछ मैन ऐसे भी हैं ना जो मॉर्टल नहीं होंगे। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इसलिए ही इतनी स्ट्रांग नहीं मानी जाती, इट इज लेस स्ट्रांग देन डिडक्टिव। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट तो बहुत ज्यादा फुल एकदम ही स्ट्रांग है, मतलब उसको कोई मना कर ही नहीं सकता। हमने देखा कि भाई सारे मैन मॉर्टल हैं, सोक्रेट्स मैन है तो सोक्रेट्स मॉर्टल होगा ही होगा, बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते। तो इंडक्शन में यही होता है, इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल, ये होता है स्पेसिफिक टू जनरल। और डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव होता है जनरल टू स्पेसिफिक। तो इंडक्टिव का मतलब ये है कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे और उसके बेसिस पे हमने कहा कि ये पूरे यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अब मान लीजिए मैंने कुछ स्वैंस देखी, कुछ बत्तख देखी, कुछ स्वैन देखी, मैंने कहा, मैंने 10, 12 या 20 स्वैन देखी, मैंने कहा सारी वाइट है,
तो अब मैंने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि दुनिया में जितनी भी स्वैन है वो सभी वाइट होंगी, तो ये हो गया आपका इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। बट ऐसा जरूरी नहीं है ना, कुछ स्वैन ऐसी भी हो सकती हैं जो वाइट ना हो। तो इंडक्शन में यही होता है कि हम कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के बेस पे हम कह देते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होगा, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए ये इंडक्शन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल है। और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, वो मेजरली डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट पे ही बेस्ड होंगे। तो मैं इस लेक्चर में ज्यादा अपना फोकस उस पर रखूंगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस, तो हमने देखा कुछ प्रीमाइस थी, दो प्रीमाइस थी, उन दो प्रीमाइस के बाद हमने एक कंक्लूजन लिखा। तो ये जो दो प्रीमाइस हैं इनको हम प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं, तो आप उसको प्रीमाइस कह लीजिए या उसको आप प्रोपोजिशन कह लीजिए, बात एक ही है। तो ये जो प्रोपोजिशन होती है ये, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होती हैं, जो आपके सिलोजिज्म में है उसमें हम देखेंगे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन भी कई तरीके की हो सकती है, क्योंकि प्रोपोजिशन होता क्या है, प्रोपोजिशन एक तरीके से एक हाइपोथेसिस है, यानी कि एक स्टेटमेंट है, हमने कोई स्टेटमेंट बोल दी, अब वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, तो वो प्रोपोजिशन होता है। अब कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कैसे बनती है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन चार चीजों से बनती है। वो चार चीजें क्या है, सबसे पहले आता है क्वांटिफायर, सबसे पहले आता है क्वांटिफायर, फिर आपका आता है सब्जेक्ट, इंग्लिश में हमने पढ़ा ना सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो वही है, प्रेडिकेट आप ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं कई बार, तो क्वांटिफायर सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आता है इज एम आर कुछ भी जो आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए, राइट, तो उसको हम कॉप्यूला भी कह देते हैं, उसको हम कॉप्यूला भी कह देते हैं या फिर इज एम आर, और उसके बाद आपका फाइनली आएगा प्रेडिकेट। तो क्वांटिफायर सब्जेक्ट कॉप्यूला प्रेडिकेट। अब ये क्वांटिफायर क्या होता है, क्वांटिफायर आपके इस तरीके के वर्ड्स हो गए जैसे कि ऑल या फिर सम, मैनी, राइट, यानी कि जो कुछ क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उस टाइप के वर्ड्स, नो हो गया नो, तो इस टाइप के वर्ड्स हो गए आपके क्वांटिफायर। तो आपकी जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होती है उनमें आपको ये चार चीजें मिलेंगी, राइट। तो हमारी ये जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है ये फोर टाइप्स की होती हैं, देखते हैं कौन से फोर टाइप्स हैं। एक होता है आपका ए, एक होता है आपका ए, एक होता है आपका ई, एक होता है आपका आई और एक होता है आपका ओ, ए ई आई ओ, वोवल्स होते हैं हमारे सिंपल, ए ई आई ओ यू, यू नहीं है इसमें। तो ए होता है आपका, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव या यूनिवर्सल एफर्मेटिव कुछ भी बोल सकते हैं आप, पॉजिटिव बोल लीजिए या फिर यूनिवर्सल एफर्मेटिव। इंग्लिश में हमने पढ़ा ना पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, नेगेटिव स्टेटमेंट्स, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स, उसी तरीके से है ये भी। ई हो गया आपका यूनिवर्सल नेगेटिव, आई हो गया आपका स्पेसिफिक पॉजिटिव और ओ हो गया आपका स्पेसिफिक नेगेटिव। तो ये चार तरीके की हमारी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन हो सकती है, ए ई आई ओ, इन चार तरीके में से कोई होगी, इसके अलावा कोई दूसरी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब मैं आपके इनके कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। तो वही वाला एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल। तो ए स्टेटमेंट में तो हो गया आपका ऑल मैन आर मॉर्टल, तो इसका मतलब क्या है, ए का मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव, और यूनिवर्सल मतलब सब ऑल, और पॉजिटिव मतलब कि इसमें हमने देखो ऑल मैन आर मॉर्टल बोला, अगर हम इसमें नॉट लगा दें ऑल मैन आर नॉट मॉर्टल तो नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या होता है उसमें नॉट नहीं होता, राइट। तो ऑल मैन आर मॉर्टल ये हो गया आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव। और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, या कोई भी स्टेटमेंट जिसमें ऑल आ रहा हो और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो। अब यूनिवर्सल नेगेटिव क्या होगी, नो मैन आर मॉर्टल, ये हो गया यूनिवर्सल नेगेटिव। आपको सिलोजिज्म में या फिर कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन इनके क्वेश्चंस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि जो स्टेटमेंट है वो राइट है कि रॉन्ग है, यानी कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको बस देखना है कि लॉजिक सही लगाए कि नहीं लगाए। क्योंकि आप ऐसे बोलेंगे कि भाई ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये तो सबको पता है, बट हम इसकी बात नहीं कर रहे कि सही है कि गलत है, यहाँ पे हमारा मतलब उससे नहीं है। क्योंकि आप क्वेश्चंस देखेंगे सिलोजिज्म में तो उसमें आप देखेंगे बहुत ही अटपटे तरीके के एग्जाम्पल्स हैं कि ऑल, सपोज ऐसा भी एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको, ऑल रेड्स आर कैट्स, अब सारे चूहे बिल्ली थोड़ी ना होते हैं, या मतलब इस तरीके के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे ये नहीं देखना कि ये रियल लाइफ में सही है कि नहीं है, उससे मतलब हमें नहीं है, हमें बस ये देखना है कि जो लॉजिक लगाया है उस, और लॉजिक लगा के जो कंक्लूजन आया है वो सही है कि नहीं है, हमें उसको देखना है। तो
आपका यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया, नो मैन आर मॉर्टल, राइट। अब स्पेसिफिक पॉजिटिव क्या हुआ, अगर मैं यहां पे सम लगा दूं, सम, फ्यू, मैनी, इस टाइप के वर्ड्स, तो जनरली हम सम यूज करते हैं, तो सम, अगर मैं बोलूं सम मैन आर मॉर्टल कि कुछ मैन ही मॉर्टल हैं, तो सम मैन आर मॉर्टल, तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक पॉजिटिव, क्योंकि स्पेसिफिक क्या कुछ लोगों के लिए बात कर रहे हैं और पॉजिटिव स्टेटमेंट तो ये है ही। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक नेगेटिव, उसमें क्या हो जाएगा, अब तो आप खुद ही सोच पा रहे होंगे, सम मैन आर नॉट मॉर्टल, सम मैन आर नॉट मॉर्टल, तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक नेगेटिव। तो इस तरीके से आप कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को इन चार चीजों में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, चार टाइप्स में, ए, ई, आई, ओ। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया था स्टार्टिंग में, तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की ही बात करेंगे हम, और अब हम देखेंगे कि हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिमाइस होता है और कंक्लूजन है, तो हमने देखा था दो प्रिमाइस थी और एक कंक्लूजन था, राइट। अब हमें देखना है कि प्रिमाइस भी हमारी दो तरीके की होती है, मेजर प्रिमाइस और माइनर प्रिमाइस, तो हम ये कैसे पहचाने कि कौन सी प्रिमाइस या कौन सा प्रोपोजिशन मेजर है और कौन सा माइनर है, तो मैं आपको वो समझाता हूं एग्जाम्पल्स के थ्रू, राइट। तो वही हम अपना सोक्रेट्स वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज मैन, सो सोक्रेट्स इज मॉर्टल, तो वही एग्जाम्पल मैंने कंटिन्यू करा है। अब मैं आपको इसके बेसिस पे बताऊंगा, आपको ये तो पता है कि ये कंक्लूजन है, राइट, बट हमें ये नहीं पता कि इन दोनों प्रिमाइस में से कौन सी मेजर है और कौन सी माइनर है, वो हमें पता लगाना है, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए, जो आपका कंक्लूजन होता है, जैसे आपका ये जो कंक्लूजन है, इसमें हमें देखना है, इसके बेसिस में हम पता लगाएंगे कि कौन सा प्रिमाइस मेजर है और कौन सा माइनर है। तो देखिए, ये जो आपका कंक्लूजन है, इसमें ये आपका क्या है, सोक्रेट्स क्या है आपका, यहां पे ये आपका सब्जेक्ट है, और मॉर्टल क्या है, मॉर्टल आपका प्रेडिकेट है, राइट। तो सोक्रेट सब्जेक्ट है और मॉर्टल आपका प्रेडिकेट है। तो कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है, ये आप ध्यान से सुनिए, कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है वो आपका होता है मेजर टर्म, क्या होता है वो, मेजर टर्म। तो कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होगा वो आपका होगा मेजर टर्म, और कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होगा वो आपका होगा माइनर टर्म, ये आपको ध्यान रखना है, कंक्लूजन का प्रेडिकेट मेजर टर्म, कंक्लूजन का सब्जेक्ट माइनर टर्म। और अब जिस प्रोपोजिशन में, जिस प्रोपोजिशन में मेजर टर्म आएगा वो प्रोपोजिशन हो जाएगी आपकी मेजर प्रिमाइस, और जिस प्रोपोजिशन या जिस प्रिमाइस में आपका माइनर टर्म आएगा वो आपकी हो जाएगी माइनर प्रिमाइस, बहुत सिंपल है। तो अब आप देखिए, मॉर्टल, मॉर्टल किस में आ रहा है, मॉर्टल आपका फर्स्ट वाले में आ रहा है, तो ये आपकी होगी मेजर प्रिमाइस, राइट। तो ये आपकी होगी मेजर प्रिमाइस। और जो आपका यह सोक्रेट्स है, सोक्रेट्स क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है कंक्लूजन का, तो ये माइनर टर्म है। तो सोक्रेट्स किस में आ रहा है, सोक्रेट्स आ रहा है आपका सेकंड वाले में, तो ये आपका हो गया, ये वाली प्रिमाइस आपकी क्या हो गई, माइनर प्रिमाइस। तो इस तरीके से हम पहचान लेते हैं, सिंपल सा रूल है, कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होगा वो मेजर टर्म होगा, और मेजर टर्म जिस प्रिमाइस में आएगी वो हो जाएगी मेजर प्रिमाइस। इसी तरीके से कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा माइनर टर्म, और माइनर टर्म जिस प्रिमाइस में आएगी वो हो जाएगी माइनर प्रिमाइस, बहुत सिंपल है। तो इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, मैं आपको और एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूड्स एंड फिगर्स। तो एक आर्ग्यूमेंट में या एक सिलॉजिज्म में मूड होता है और उसकी फिगर भी होती है, तो पहले मैं बात करूंगा मूड की। तो देखिए, मूड से पहले हमें समझना है, जैसे मैंने यहाँ पे चार आर्ग्यूमेंट्स लिखी है, 1, 2, 3, 4, चार अलग अलग मैंने आर्ग्यूमेंट्स लिखी हैं, तो उसमें सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि मेजर प्रिमाइस कौन सी है, माइनर प्रिमाइस कौन सी है, और कंक्लूजन कौन सा है। तो चारों के लिए आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसमें कंक्लूजन कौन सा है, इसमें मेजर प्रिमाइस कौन सी है, और इसमें माइनर प्रिमाइस कौन सी है, उसके बाद ही आप इसका मूड और फिगर पता लगा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप इस फर्स्ट वाले आर्ग्यूमेंट को देखिए, ऑल आर्टिस्ट आर पोएट्स, ऑल म्यूजिशियंस आर आर्टिस्ट, नो ऑल म्यूजिशियंस आर पोएट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पहचानेंगे इसमें कंक्लूजन कौन सा है और माइनर और मेजर प्रिमाइस कौन सी है। तो सबसे पहले आप देखिए, इन तीनों में से अगर आप देखें, तो अगर आपका ये कंक्लूजन है ऑल म्यूजिशियंस आर पोएट्स, ठीक है, तो आपका लास्ट वाला कंक्लूजन होता है। तो अब इस कंक्लूजन में, इस कंक्लूजन का जो आपका
प्रेडिकेट होता है, यानी कि इस कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट है वो है पोएट्स, तो वो आपका होगा मेजर टर्म, ये मैंने आपको बताया था। तो कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होगा वो आपका होगा मेजर टर्म, और कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होगा वो आपका होगा माइनर टर्म, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो जो मेजर टर्म है यहां पे पोएट्स, तो ये जो मेजर टर्म पोएट्स है ये जिस प्रिमाइस में आ रहा है वो हो जाएगी मेजर प्रिमाइस। तो पोएट्स आपका आ रहा है फर्स्ट वाले में, तो ये आपकी हो गई मेजर प्रिमाइस, और म्यूजिशियंस आपका आ रहा है सेकंड में, तो ये आपकी हो गई माइनर प्रिमाइस। तो ये हमने पता लगा लिया मेजर माइनर, और ये है आपका कंक्लूजन, तो ये हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो तीनों प्रोपोजिशंस हैं, ये तीन प्रोपोजिशंस हैं, और मैंने आपको बताया था कोई भी प्रोपोजिशन या तो ए होगी या ई होगी या आई होगी या ओ होगी। तो ऑल आर्टिस्ट आर पोएट, ये किस टाइप की प्रोपोजिशन है, ये आपकी प्रोपोजिशन है टाइप ए, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, राइट, ये आपकी होगी यूनिवर्सल एफर्मेटिव टाइप ए। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट देखें, ऑल म्यूजिशियंस आर आर्टिस्ट, ये भी कौन सी प्रोपोजिशन है, ये भी प्रोपोजिशन ए है। और अगर हम थर्ड देखें, ऑल म्यूजिशियंस आर पोएट्स, तो ये भी ए है। तो अगर मैं कहूं इस आर्ग्यूमेंट का आप मुझे मूड बताएं, तो इस आर्ग्यूमेंट का मूड क्या होगा, आर्ग्यूमेंट का मूड हो जाएगा ट्रिपल ए। पहला ए आपका मेजर प्रिमाइस के लिए, दूसरा ए आपका माइनर प्रिमाइस के लिए, और तीसरा ए आपका कंक्लूजन के लिए। तो आपको ऑर्डर हमेशा याद रखना है कि जो पहला वाला होगा वो होगा मेजर प्रिमाइस का, सेकंड वाला टाइप होगा माइनर का, और थर्ड होगा कंक्लूजन का। आपका ऑर्डर यही होना चाहिए, राइट। तो ये आपका हो गया ए ए ए, तो इस आर्ग्यूमेंट का मूड हो गया ए ए ए। ऐसे में आप नेक्स्ट पे आ जाता हूं, ऑल सेंट्स आर पायस, पायस का मतलब होता है रिलीजियस, ऑल सेंट्स आर पायस, नो क्रिमिनल्स आर पायस, नो क्रिमिनल्स आर सेंट्स। तो अब इस स्टेटमेंट को देखिए, तो ये इसका कंक्लूजन है, ये तो कंक्लूजन है। तो इस कंक्लूजन में अगर मैं आपको कहूं पहचानिए मेजर टर्म और माइनर टर्म, तो आप पहचान सकते हैं, ये जो इसका प्रेडिकेट है वो क्या है, वो है इसका मेजर टर्म, और जो इसका सब्जेक्ट है वो है इसका माइनर टर्म, राइट, ये तो आपको पता है। अब ये मेजर टर्म सेंट्स ये किस में आ रहा है, ये फर्स्ट वाले में आ रहा है। तो जो फर्स्ट वाली प्रिमाइस हो गई, ये हो गई आपकी मेजर प्रिमाइस, और जो क्रिमिनल्स है ये सेकंड में आ रहा है, तो ये आपकी हो गई माइनर प्रिमाइस, राइट। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, तो ये मेजर प्रिमाइस, ये माइनर प्रिमाइस, ये कंक्लूजन। और ये जो कॉमन टर्म बची है आपकी, कौन सी कॉमन टर्म बची है, पायस, ये आपकी कॉमन टर्म बची है, तो ये हो जाती है हमारी मिडल टर्म, इसको हम बोल देते हैं मिडल टर्म। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में भी अगर मैं देखूं, तो फर्स्ट एग्जांपल में जो आर्टिस्ट था, आर्टिस्ट वो आपका था मिडल टर्म, राइट। तो मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडल टर्म, तीन टर्म्स होती हैं एक आर्ग्यूमेंट में। तो क्रिमिनल्स यहां पे आपका माइनर टर्म, सेंट्स हो गया आपका मेजर टर्म, और पायस क्या हो गया आपका, पायस हो गया आपका मिडल टर्म, राइट। तो देखिए मिडल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म ये अलग चीज है, और मेजर प्रिमाइस और माइनर प्रिमाइस वो अलग चीज है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको इस आर्ग्यूमेंट का मूड पूछूं, तो इस आर्ग्यूमेंट का मूड क्या होगा, अब आप बता सकते हैं। पहली स्टेटमेंट, ऑल सेंट्स आर पायस, ये किस टाइप की स्टेटमेंट है, ये है कैटेगोरिकल स्टेटमेंट ए, राइट। नेक्स्ट, नो क्रिमिनल्स आर पायस, ये कौन सी है, नो और पॉजिटिव भी है, तो ये हो गई टाइप ई, यूनिवर्सल नेगेटिव, तो ये हो गया ई, सेकंड वाला हो गया ई, और थर्ड वाला क्या हो गया, नो क्रिमिनल्स आर सेंट्स, ये भी ई है। तो इस आर्ग्यूमेंट का मूड क्या हो गया, ए ई ई, इस आर्ग्यूमेंट का मूड क्या है, ए ई ई, तो इसका मूड आप बता सकते हैं ए ई ई। ऐसे अगर आप थर्ड का देखेंगे, तो इसमें ये आपका कंक्लूजन है, तो यहां पे जो वर्दी ऑफ स्टडी है, वर्दी ऑफ स्टडी, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया मेजर टर्म, और एपिक्स, एपिक्स क्या हो गया, एपिक्स हो गया आपका माइनर टर्म। तो वर्दी ऑफ स्टडी कहां आ रहा है, फर्स्ट प्रिमाइस में आ रहा है, तो ये आपकी हो गई मेजर प्रिमाइस, और आपका एपिक्स सेकंड में आ रहा है, तो ये आपकी हो गई माइनर प्रिमाइस। सिमिलरली ग्रेट वर्क्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ग्रेट वर्क्स आपका हो गया मिडल टर्म, तो ग्रेट वर्क्स जो है वो आपका हो गया मिडल टर्म, राइट। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस आर्ग्यूमेंट का मूड क्या है, तो आप बता सकते हैं इजीली, ऑल ग्रेट वर्क्स आर वर्दी ऑफ स्टडी, तो इसमें ऑल है और पॉजिटिव भी है, तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल पॉजिटिव, यानी कि टाइप ए। नेक्स्ट, ऑल ग्रेट वर्क्स आर एपिक्स, ये भी आपका कैसा हो गया, ए हो गया।
और थर्ड सम एपिक्स आर वर्दी ऑफ स्टडी, तो सम और इसमें पॉजिटिव भी है, तो ये आपका हो गया टाइप आई। तो इसका नेचर, इसका मूड क्या हो गया, ए ए आई, तो आई आपका होता है स्पेसिफिक पॉजिटिव, राइट। तो यहां पे ध्यान रखिए, ए मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव, ई मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, आई मतलब स्पेसिफिक पॉजिटिव और ओ मतलब स्पेसिफिक नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मूड है ए ए आई। तो अब अगर हम लास्ट वाले की बात करें, फोर्थ आर्ग्यूमेंट, तो नो फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रीन, सम ग्रीन आर नॉट फ्रूट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंक्लूजन में, तो कंक्लूजन में जो आपका ये फ्रूट्स है यानी कि जो प्रेडिकेट है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मेजर टर्म। यहाँ पे जो ग्रीन है, ग्रीन क्या हो गया, ग्रीन आपका हो गया माइनर टर्म, राइट। अब आप देखिए फ्रूट्स किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, तो ये आपका हो गया मेजर प्रिमाइस, और ग्रीन आपका आ रहा है सेकंड में, ये आपका हो गया माइनर प्रिमाइस, और कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे वेजिटेबल्स आ रहा है, तो ये आपकी हो गई मिडिल टर्म। अब आपको यहाँ बताना है मूड, तो नो फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ये किस टाइप की स्टेटमेंट है, ये है स्टेटमेंट टाइप ई, राइट। नेक्स्ट ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रीन, ये आपका हो गया ए टाइप, और नेक्स्ट क्या है, सम ग्रीन आर नॉट फ्रूट्स, तो ये कौन सा टाइप हो गया, टाइप ओ, स्पेसिफिक नेगेटिव, क्योंकि यहां पे सम की बात हो रही है तो ये स्पेसिफिक हो गया, और नॉट आ गया तो ये नेगेटिव भी हो गया, तो ई ए ओ। तो अगर हम इसकी बात करें फोर्थ वाले की, तो फोर्थ वाले आर्ग्यूमेंट का मूड क्या है, ई ए और ओ, राइट। तो आपने देखा कितना सिंपल है किसी भी आर्ग्यूमेंट का मूड पता करना। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिगर्स पे, तो इन्हीं एग्जांपल को लेके मैं आपको फिगर भी समझा दूंगा। तो देखिए फिगर क्या होती है, अब मैंने आपको एक आर्ग्यूमेंट बताया, आर्ग्यूमेंट में दो प्रिमाइस है, मेजर माइनर और कंक्लूजन, तो फिगर जो होगी वो चार टाइप की ही हो सकती है, फिगर्स आपकी इट कैन बी ओनली ऑफ फोर टाइप्स। वो फोर टाइप्स कौन से हैं, वो फोर टाइप्स यही है, अब इनका आपको फिगर में बताता हूं क्या है। अगर आप फर्स्ट वाले की बात करेंगे, अगर हम फर्स्ट वाले की बात करेंगे, तो ये जो फर्स्ट वाला है इसका आप ध्यान से देखें, तो इसका फिगर क्या होगा, फिगर का मतलब होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट और मिडल टर्म। अगर मैं इस आर्ग्यूमेंट को सब्जेक्ट प्रेडिकेट और मिडल टर्म के फॉर्म में लिख दूं तो ये कैसा दिखेगा, राइट। तो फर्स्ट वाला आप देखेंगे, ये सब्जेक्ट है म्यूजिशियन, कंक्लूजन की बात करेंगे, कंक्लूजन का सब्जेक्ट म्यूजिशियन है और कंक्लूजन का प्रेडिकेट पोएट्स है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का फिगर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, म्यूजिशियन सब्जेक्ट है, पोएट प्रेडिकेट है और आर्टिस्ट मिडिल टर्म है, राइट। तो आर्टिस्ट मिडिल टर्म है एम, पोएट क्या है, पोएट है प्रेडिकेट तो पी, म्यूजिशियन क्या है, म्यूजिशियन सब्जेक्ट है तो एस, और आर्टिस्ट बताया आपको मैंने मिडिल टर्म, म्यूजिशियन आपका सब्जेक्ट और पोएट्स आपका प्रेडिकेट। तो इस तरीके से ये इसकी फिगर हो गई, इस वाले आर्ग्यूमेंट की फिगर ये है, राइट। तो यहाँ पे आपका मिडिल टर्म ये रहा, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो प्रेडिकेट है ये मैंने आपको बताया था ये मेजर टर्म है, और जो सब्जेक्ट है वो आपका माइनर टर्म है। तो इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि प्रेडिकेट मतलब कि आपका मेजर टर्म, सब्जेक्ट मतलब माइनर टर्म, और एम मतलब मिडिल टर्म। तो इसको हम, इसका जो फिगर हम लिखेंगे, एम पी एस एम एस पी, आर्टिस्ट आपका मिडिल टर्म, पोएट आपका प्रेडिकेट, म्यूजिशियन आपका सब्जेक्ट, आर्टिस्ट आपका मिडिल टर्म, म्यूजिशियन सब्जेक्ट और पोएट प्रेडिकेट, सिंपल है। ऐसे हम नेक्स्ट पे आ जाएं, सेकंड वाले पे, तो इसमें क्रिमिनल्स आपका क्या है, क्रिमिनल सब्जेक्ट, सेंट आपका प्रेडिकेट और पायस आपका मिडिल टर्म, यानी कि सब्जेक्ट है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका क्रिमिनल्स, प्रेडिकेट क्या है, सेंट्स, प्रेडिकेट है आपका सेंट्स, और मिडिल टर्म क्या है आपकी, मिडिल टर्म है आपकी पायस, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो इसका आप इजीली लिख सकते हैं फिगर क्या है, तो सेंट, सबसे पहले सेंट्स आ रहा है, सेंट्स क्या है, सेंट्स आपका प्रेडिकेट, पायस क्या है, पायस आपका मिडिल टर्म, क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स क्या है, सब्जेक्ट, पायस अभी बताया, पायस है आपका मिडिल टर्म, क्रिमिनल्स आपका सब्जेक्ट और सेंट्स आपका प्रेडिकेट। तो सेकंड वाले का जो फिगर हो गया वो आपका हो गया पी एम एस एम और एस पी, इसको इस तरीके से हम लिखते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट वाले का था, वो सेकंड वाले का आपका फिगर हो गया। अब थर्ड पे आ जाते हैं, इसके फिगर की बात करें तो आप ध्यान से देखिए, एपिक्स है यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्दी ऑफ स्टडी है यहाँ पे प्रेडिकेट,
और मिडिल टर्म क्या है, ग्रेट वर्क्स। ग्रेट वर्क्स क्या है आपका, ग्रेट वर्क्स है आपका मिडिल टर्म। तो आप इजीली आप लिख सकते हैं ग्रेट वर्क्स मिडिल टर्म, वर्दी ऑफ स्टडी प्रेडिकेट, ग्रेट वर्क्स मिडिल टर्म, एपिक्स आपका सब्जेक्ट, एपिक्स सब्जेक्ट, वर्दी ऑफ स्टडी प्रेडिकेट। तो इसका जो आपका फिगर हो गया वो ये हो गया एमपी, एमएस और एसपी, मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस और कंक्लूजन। अब अगर हम नेक्स्ट फोर्थ पे आ जाएं तो इसका फिगर क्या होगा, इसका हम देखें तो यहां पे ग्रीन है सब्जेक्ट, फ्रूट है आपका प्रेडिकेट और मिडिल टर्म क्या है आपकी वेजिटेबल्स। तो फ्रूट सबसे पहले फ्रूट्स, फ्रूट्स आपका हो गया प्रेडिकेट, वेजिटेबल्स क्या है, वेजिटेबल्स है आपकी मिडिल टर्म, फिर वेजिटेबल्स अगेन मिडिल टर्म, ग्रीन है आपका सब्जेक्ट और नीचे आपका ग्रीन सब्जेक्ट और फ्रूट्स प्रेडिकेट। तो उसका हो गया पीएम, पीएम आपका मेजर प्रीमाइस, एस एम एस, एम एस आपका माइनर प्रीमाइस और एसपी, एसपी आपका कंक्लूजन, राइट। तो आप ये देखिए कोई भी आर्ग्यूमेंट इन्हीं चारों में से किसी टाइप की होगी, मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट जो होगी उसका फिगर या तो ये फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या ये थर्ड होगा या फिर वो फोर्थ होगा। क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, मिडिल टर्म या तो ऐसे आ सकती है या मिडिल टर्म आपकी ऐसे आ सकती है या फिर मिडिल टर्म ऐसे आ सकती है या फिर मिडिल टर्म ऐसे। तो मिडिल टर्म आप इन्हीं चार में से किसी तरीके में से फिट कर सकते हो, इसके अलावा मिडिल टर्म को फिट करने का और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो देखा आपने कितना सिंपल है किसी भी आर्ग्यूमेंट के मूड और फिगर को पता करना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए हैं जो अगर आप आगे सिलोजिज्म या फिर स्क्वेयर ऑफ ऑपोजिशन इनके क्वेश्चन अगर हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, तो ये आपका बेस है। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपके आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो मैं अगली वीडियो में आपको कुछ, सबसे पहले स्क्वेयर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है उसके बेसिक्स कुछ बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे क्योंकि मेन आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने आने चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम फ्यूचर में और अच्छी वीडियोस लेके आ पाएं। मैं आपका दोस्त चेतन अब आपसे अलविदा लेता हूं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट मोर वीडियोस। थैंक यू।